2 वर्ष पहले शुगर मिल डोईवाला के पेराई सत्र के चलते यहाँ की जनता को जाम और किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो वहीं अब क्षेत्रीय जनता के साथ किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। बता दें कि पिछले सत्र के शुभारंभ होने से पहले ही शुगर मिल के ईडी पद पर प्रशासनिक अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह की नियुक्ति सरकार ने की थी। घाटे में चल रही शुगर मिल अब घाटे से उबरने के साथ ही करोड़ों का मुनाफा भी कमा रही है। इसके अलावा किसानों को शुगर मिल में अपना गन्ना पहुंचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। किसानों को अपने गन्ने के भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब किसानों को इन सभी समस्याओं से पूरी तरीके से छुटकारा मिल चुका है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। और यही कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश के किसान डोईवाला पहुंचे और शुगर मिल के ईडी का आभार प्रकट करते हुए उन्हें हिमाचल आने का न्योता दिया। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। जो अच्छा काम उन्होंने किया हमारे लिए पांवटा साहिब हिमाचल के लिए, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आए थे, उनका स्वागत करने के लिए आए थे और कुछ डिस्कस करने के लिए आए थे, तो ताकि हम पांवटा का जो किसानों का गन्ना है उसको अच्छे ढंग से और मिल को जो प्रॉफिट हो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आए थे। उन्होंने बड़े प्यार से हमारे से बातचीत करी और जो और अच्छा करना है उसके उन्होंने तुरंत ऑर्डर दे दिए अधिकारियों को भी, जैसे किसान बोलते हैं ये अच्छी बात है। उन्होंने हमारी बात को सराहना किया, माना और वो उन्होंने हुक्म कर दिया कि इस ढंग से, जिस ढंग से किसान कह रहे इसी ढंग से आप कल से इस काम को लागू करो ताकि और भी अच्छा हो सके। पांवटा साहब से किसान आए थे, जहाँ यहाँ आने के बाद में डोईवाला के भी किसान उनके साथ उपस्थित हुए और इस बार जो तौल की प्रक्रिया है, जो गन्ने का उठान है, जिस तरीके से सुविधाएं दी गई हैं उसके बारे में वो इस बात को कहना चाहते थे कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जिसके साथ साथ में उन्होंने कुछ अपेक्षाएं भी जाहिर की हैं और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा।